हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफ, एसएससी, जीडी और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। अभी यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की हमें चाल पता है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, और हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है। तो सबसे पहले हमें रेल की लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को रेल पार करके जाती है तो हम क्या करते हैं, रेल की लंबाई को उसकी चाल से भाग कर देते हैं, तो हमें समय निकल के आ जाता है और वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो अभी रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, जब भी किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी भी लंबी चीज़ को पार करके जाती है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रेन हो या फिर कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, समय बराबर क्या हो जाता है, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और रेल की चाल से भाग कर देते हैं, ठीक है। रेल की लंबाई हमें नहीं पता तो हम इसको एक्स मान लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता है 100 मीटर का है तो इसको 100 मीटर कर लेंगे, और यहाँ पे समय कितना है, 1 मिनट में पार कर जाती है, तो उसको हम लिख सकते हैं 60 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मीटर में है, तो इसलिए हमें समय सेकंड में लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है हमें, मतलब ये जो बोला गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो 45 में 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा निकल के, आप इसको सोल्व करेंगे तो 25/2 आ जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 25/2 मीटर पर सेकंड। तो बस अब यहाँ से हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, 60 की 25 में करेंगे और इधर हो जाएगा आपका 2 की इसमें करेंगे 2x, और यहाँ पे इसकी 2 की करेंगे तो 200, 60 की 25 में करेंगे 1500 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2x की वैल्यू मिलेगी इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1300, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 650, x हमने क्या माना था, रेल की लंबाई, तो हमें रेल की लंबाई मिल गई 650। तो अभी रेल की लंबाई मिल गई है और पूछा है कि रेल एक आदमी को, खड़े हुए आदमी को कितनी देर में पार करेगी, तो हमें पता है चाल, तो हमें पता है ये 25/2 है, तो रेल की लंबाई और रेल की चाल से भाग कर देते हैं, क्योंकि जब भी किसी खड़े हुए आदमी को रेल पार करके जाती है तो जो भी रेल की लंबाई होती है उसकी रेल की चाल से भाग कर देते हो, तो आपका राइट आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 650 को 25/2 से भाग करेंगे, 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 650 की मल्टीप्लाई तो 2 में कर देंगे और 25 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 26 बार, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 52 सेकंड, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है बोट एंड स्ट्रीम से। तो बोट एंड स्ट्रीम को का क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। धारा की दिशा में बोला गया है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। धारा की दिशा ये है तो उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में पार कर लेती है। तो धारा की विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए शांत जल में आपको बताना है, तो धारा के जब विपरीत चलती है तो 6 घंटे में, और धारा की जब डायरेक्शन में चलती है तो 4 घंटे में। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम हम कैसे निकालेंगे, भाई हमें पता है 24 किलोमीटर को कितने देर में कवर कर लेती है, जब धारा की दिशा में 4 घंटे में, और धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में पार कर लेती है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 को 4 से भाग करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल पूछी है, यानी कि हमें इसको हम जो डिनोट करते हैं एक्स से करते हैं, ठीक है। जो नाव की चाल होती है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और जो धारा की चाल होती है उसको वाई से डिनोट करते हैं। तो जब भी नाव की
चाल पूछी जाए तो क्या करना है आपको, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों को प्लस करना है, दो से भाग कर देना है। तो कितना होगा, 6 और 4 10, ठीक है, और 10 को 2 से करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका नाव की चाल। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि आपका धारा की चाल क्या होगी, ठीक है, धारा की चाल भी तो पूछी जा सकती है, तो उस कंडीशन में आपको करना था 6 माइनस 4, ठीक है, तो कितना आएगा 2, और 2 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, ये है आपकी धारा की चाल। तो मतलब अब आपकी समझ में आ गया होगा, धारा की चाल निकालने के लिए तो हम माइनस करते हैं और नाव की चाल को निकालने के लिए प्लस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि कम वाली आपको बतानी है। यहाँ पे बोला गया है, देखिए सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है पहले केस में कि जो कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने 1 माना और वो 5 साल में 2 गुना हो गया, अमाउंट 2 गुना हो गई, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या बोला जा रहा है, तथा किसी अन्य दर से, दूसरी दर से मतलब कि रेट चेंज कर दिया गया है 12 वर्ष में, ठीक है, 12 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 1 होगी और जो 12 साल में ये 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि 2 केस बन गए, ये वाला, ये वाला। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से वाले में रेट कम है, ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, प्रिंसिपल आपका 1 था, अमाउंट 2 बन गई, यानी कि कितना इंटरेस्ट लगा, 1 का इंटरेस्ट लगा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, प्रिंसिपल 1 था और अमाउंट 3 हो गई, तो इंटरेस्ट कितना लगा है, 2 इंटरेस्ट लगा है। चलिए, अब आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया, इंटरेस्ट भी पता चल गया, तो ईजिली निकाल सकते हैं ना सब कुछ। तो इंटरेस्ट हमने 1 रखा, बस मतलब ऐसा ही का फॉर्मूला आपको लगाना है, P(R)T/100 दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 1 है और जो टाइम पीरियड है वो टाइम है आपका 5 और R आपको निकालना है 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर 5R, तो 20% आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, 1 से 3 हो गया 12 साल में, यानी कि जो 2 इंटरेस्ट लगा है वो 12 साल में इंटरेस्ट लगा है, तो 2 इक्वल, यानी कि वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 × 12 × R/100, ठीक है। तो 200 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा इंटरेस्ट 16.66R, यानी कि इतना परसेंट। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आपका कम ब्याज वाली दर होगी, ठीक है, 3 गुना हो जाता है, कम ब्याज वाली वार्षिक दर क्या है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16.66 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये देखिए, इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, देखिए जो कंप्लीट वैल्यू होती है जैसे 9, 23, 16, 35, इनको तो अलग ऐड और माइनस कर लेते हैं और जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उनको एक साइड में लिख लेते हैं। जैसे आपका 9 हो गया, ठीक है, 9 लिखा हमने, माइनस का 23 हो गया, माइनस का 16 हो गया, प्लस का 35 हो गया, इन सभी को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा आपका, ठीक है, 35 प्लस का है आपका, बाकी ये सब माइनस के और 9 भी आपका प्लस का है, तो 35 प्लस 9 करेंगे और 23 और 16 माइनस करेंगे तो आपका रिमेनिंग 5 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए, 2/3, 1/2, 3/4 और 5/6, इस तरीके से यहाँ पे इनको एक साइड में प्लस कर लेंगे तो कितना होगा, देखिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे एक्चुअली, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका, सॉरी, ये 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में होके 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3, और 3 की 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 से करेंगे 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, ठीक है, तो 5 + 3/12, यानी कि 3 से 1 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो 5 complete 1/4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 ट्रेन 2 स्टेशनों से एक ही समय में शुरू होती है, यानी कि 2 स्टेशन है, मान लीजिए ए और बी 2 स्टेशन है और एक ही समय पे दोनों की दोनों ट्रेन शुरू होती है और क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ को बढ़ती है।
एक दूसरे की तरफ को चलेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ को बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपको निकालना है, ठीक है? तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक स्टेशन बी स्टेशन और एक दूसरे की तरफ को चल रही है दो ट्रेन 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 किलोमीटर का, यानी कि इनकी चाल का डिफरेंस का कितना है 5 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ट्रेन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब मुझे ये बताइए जब ये दोनों मिले, पढ़ते हैं दोबारा से, यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। जो अधिक यात्रा की है वो किसने की होगी, इस वाले ट्रेन ने, किसकी वजह से, जो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो इसका मतलब ये कितने किलोमीटर, सॉरी कितने घंटे चले, इससे हम ये निकाल सकते हैं भाई हर एक घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले। और जब हम रुके, ये यानी कि दोनों ट्रेन आपस में मिली, तो हमने पाया कि 50 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी ये तेज चलने वाली ट्रेन। तो इसका मतलब हर एक घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही थी, तो 50 किलोमीटर इसने कितने घंटे में कवर किया होगा। 50 को 5 से भाग कर दीजिए, हर एक घंटे में 5 चल रही थी, तो इसका मतलब 10 घंटे में 50 चले। यानी कि ये दो, ये भी ट्रेन और ये भी ट्रेन जो जब ये मिली तो ये 10 घंटे बाद मिली, 10 घंटे में मिली। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पूछा क्या गया है, दो स्टेशन के बीच की दूरी, तो टाइम आपको पता चल चुका है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वाली ट्रेन चली तो 10 घंटे में कितना चलेगी 150 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वाली ट्रेन चली तो कितना चलेगी ये 10 घंटे में, ये 200 किलोमीटर। दोनों को प्लस कर लीजिए तो इनके बीच की आपकी दूरी आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों दोनों ट्रेन ने मिल करके वो दूरी कवर की है। तो दोनों को प्लस करेंगे 305 आ गया, सॉरी 350 आ गया। 350 जो आए ये टोटल डिस्टेंस आ गई ए और बी स्टेशन की, ठीक है? क्योंकि ये दोनों मिले हैं ना भाई, ये दोनों मिले हैं और ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर की 10 घंटे में, और 10 घंटे में ये 150 चलती है, ये 200 चलती है, तो टोटल कितना चली 350। तो इनके बीच की दूरी भी 350 ही थी। तो आशा करता हूँ कि आपको उस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी तबीयत होने की ख़राब होने की वजह से मैं एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक, मुझे लग रहा है, आशा करता हूँ कि, बट फिर भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुएँ ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का जो रेशो है वो 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 ग्राम को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये तो बड़ा ही लेंथी सा मैंने किया है वैसे, इधर आप इसको ना भी करेंगे तो कोई चलेगा, मतलब सीधा सीधा आप 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और एक तरफ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की आ जाएगा, ए की वैल्यू, ठीक है, ए वस्तु, और बी की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 की, तो बी की आ जाएगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने दो वस्तु है, ये 2x और 3x, दो वस्तु ए बी है ना, तो 2x और 3x इनका रेशो दे रखा है, 5x हो गया, 120 को 5x से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना आ गया 24। 24 की 2 में करेंगे 48 हो जाएगा, 24 की 3 में करेंगे तो 72 हो जाएगा। इन दोनों की जो वैल्यू है आपकी ये आ गई, ठीक है? दो वस्तु ए और बी 120 ग्राम की है दोनों का मिश्रण, बट यहाँ पे ए कितनी है उसमें 48 और बी कितनी है 72 ग्राम। अब बोला क्या जा रहा है ये पढ़ लेते हैं, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए भाई, 48 में प्लस हम एक्स करेंगे, क्योंकि कुछ मात्रा बढ़ाने की बात की जा रही है, वो हमें नहीं पता कितनी बढ़ाई जा रही है, बट यहाँ पे कितनी बढ़ाई जाए कि 3:2 के रेशियो में बन जाए, तो 48 में हम प्लस एक्स कर लेंगे और अपॉन में 72, ठीक है? क्योंकि इसमें तो हमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 96 प्लस 2x, और 3 की दर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 216। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं x की वैल्यू आप, ठीक है? तो 2x आपका हो जाएगा और इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 120, और x की वैल्यू आपकी 60 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका यही है,
बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है, बस अब की बार यहाँ पे बी वाली संख्या में बढ़ाने को कुछ बोला गया है। ठीक है, दो धातु 80 ग्राम के मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे अब की बार बात की जा रही है बी की कितनी वैल्यू बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जाए, तो 30+x करेंगे और ये इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा 5/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इक्वल आपका कितना हो जाएगा 150+5x, तो 50x बराबर आपका 5x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे 10 आ जाएगी, ये राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ₹4,500, 4,500 की राशि 16% चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रिमासिक को यानी कि क्वार्टरली हो तो मिश्र धन की राशि बताओ। देखिए यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में बात की जाती है क्वार्टरली, ठीक है, त्रिमासिक जब भी बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है एक जो क्वार्टर होता है 3 मंथ का होता है। तो 12 महीने में कितने क्वार्टर हो गए आपके, 3 चौक 12, 4 क्वार्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 9 मंथ का दे रखा है, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे भाई, 3 मंथ का 1 क्वार्टर यानी कि 3 क्वार्टर होंगे, ठीक है। तो 3 मंथ का 1 क्वार्टर मैंने बोल दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यही है, जो त्रिमासिक बोला गया है, क्वार्टरली बोला गया है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी तो मैं इतनी ईजी सी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि उसमें आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ का 1 क्वार्टर, 9 मंथ में 3 क्वार्टर और 1 साल में आपके होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये इंटरेस्ट दे रखा है ना 16% का, ये पूरे साल का है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 16 को 4 से भाग करेंगे, बचेगा कितना 4%। तो आपको एक तो क्वेश्चन को जो करना है वो 4% से करना है, ठीक है। ट्रिक आपकी 3 मंथ का यहाँ पे बैठ रहा है, तो ट्रिक होगी 3-3-1, जब भी आप 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो ट्रिक क्या होगी 3-3-1, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको लगा करके, 4,500 का आप निकालेंगे 4%, कितना आ गया 180, 180 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, पहली ट्रिक का काम खत्म, 540 हो गया। दूसरे में क्या करना है, 180 का 4% निकालिए, 17.2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की करिए तो आपका 21.6 आ गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, 7.2 का 4% निकालिए, 0.288 आएगा, मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो 0.288 ही रहेगा, तो आपका ये हम प्लस करेंगे इन सभी को तो कितना आ जाएगा 561.888, यही राइट आंसर बन जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक मिश्र धन पूछा गया है कि मिश्र धन की राशि बताओ, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है। अगर देखिए इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको अमाउंट और यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, तो मिश्र धन की अमाउंट कितनी होगी, 4,500 प्लस 561.88 जो कि आपका इंटरेस्ट था, इन दोनों को प्लस कर देंगे, उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना आ गया, 5,061.88, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। मिश्र धन पूछा है तो उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। देखिए जब भी मिश्र धन की बात की जाती है तो उसमें प्रिंसिपल जो मूलधन आपका होता है वो तो होता ही है, प्लस उसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप से, इससे भी देख क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन भी। 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार यानी कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस आरंभ किया। ए ने ₹3,000 8 माह के लिए, बी ने ₹4,000 9 माह के लिए तथा सी ने ₹5,000 1 वर्ष के लिए निवेशित किए। वर्ष के अंत में कुल ₹15,000 का लाभ में प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। अब सॉरी भाग यहाँ पे यानी कि शेयर उनका निकालना है, तो शेयर में दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, किसने कितनी कैपिटल लगाई, कितना उसने निवेश किया और कितने महीने के लिए किया यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए किया, उससे आप एक रेशो बनाएंगे, जो रेशो आएगा उसमें ये 15,000 जो रुपये है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोला गया है ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसने ए ने ₹3,000 8 महीने के लिए लगाए, तो आप क्या करेंगे 3,000 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। फिर बी ने ₹4,000 9 महीने के लिए लगाए, तो 4,000 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी ने ₹5,000 1 वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए लगाए, तो यहाँ पे ये 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी में कॉमन क्या है, 0, 0 और 0, ठीक है, ये हमने कट कर दिया।
फिर बाकी ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, 12 से हो सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो 2:3:5 ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो यही आपका रेशियो बन जाएगा। अब इस रेशियो में आपको 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? इन सभी को प्लस करिए, 3, 2, 5 और 5, 5, 10। 15,000 को 10 से भाग करिए और जिस जिसका रेशो निकालना है उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15,000 को 10 से भाग किया, ए का हमें निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000। बी का हमें निकालना है, 15,000 को 10 से भाग किया, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4,500। सी का हम क्या करेंगे, 15,000 भाग करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो यहाँ 7,500। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी PDFs हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।